आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं दो डिफरेंट पर्सनालिटीज की। नंबर वन इमोशन ड्रिवन पर्सनालिटी एंड नंबर टू कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनालिटी। चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोनों पर्सनालिटीज में डिफरेंसेस क्या है और कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इमोशन ड्रिवन पर्सनालिटी की। इस इमोशन ड्रिवन पर्सनालिटीज की कुछ क्वालिटीज हैं जिसके कारण हम बोलते हैं कि ये पर्सन इमोशन ड्रिवन है। जो पहली क्वालिटी है वो है दे फील गुड एंड देन डू राइट। इनका जब मूड अच्छा रहेगा, जब इनको अच्छा फील होगा, तभी ये परफॉर्म करेंगे, तभी ये एक्शन लेंगे। अगर इनका मूड नहीं करता है अच्छा फील नहीं होगा, तब ये कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, अपने मस्ती वाले मूड में रहेंगे। जो सेकेंड क्वालिटी है वो है कन्वीनियंस ड्रिवन। दे आर कन्वीनियंस ड्रिवन, मतलब सारी जब फैसिलिटीज होंगी, सारे रिसोर्सेज होंगे, जब सारा माहौल अच्छा होगा, कंडीशन अच्छा होगा, तभी ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया, परिस्थितियाँ बिगड़ गई, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा, तो शायद ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जो तीसरी क्वालिटी है वो है मेक पॉपुलर बेस्ट डिसीजंस। दूसरे लोगों को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको देखकर अपने डिसीजंस ले लेते हैं। अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को नहीं समझते हैं और इमोशन में बहकर डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, ये यूट्यूबर बन गया, ये सक्सेसफुल हो गया, चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ, हो सकता है मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँ। इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चलो मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ। ये इंजीनियरिंग के एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया, चलो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। दे डोंट हैव सेल्फ अवेयरनेस, दे आर इमोशनली ड्रिवन, इमोशन में बह जाते हैं, दूसरे लोगों को देख कर डिसीजंस ले लेते हैं। जो इनकी चौथी क्वालिटी है, दे वेट फॉर मोमेंटम। वेट फॉर मोमेंटम का मतलब कोई इन्हें पुश जब करता है, राइट, तभी ये काम को स्टार्ट करते हैं। जब इनको लगता है कि अच्छा ये भी काम करके सक्सेसफुल हो गया, राइट, तो फिर ये डेफिनेटली अपने काम को भी स्टार्ट कर देते हैं। वेट फॉर मोमेंटम, पुश मिलेगा तभी करेंगे, नहीं पुश मिल रहा है तो बस अपने मौज में, अपने मस्ती में रहते हैं। जो इनकी पांचवी क्वालिटी है, दे आस्क व्हाट आर माय राइट्स, मेरे अधिकार क्या हैं, वो अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं। काम अच्छा करें या ना करें, इमोशन में हमेशा ही फ्लो करते रहते हैं, मुझे मेरा राइट मिलना चाहिए, मुझे मेरा अधिकार मिलना चाहिए, राइट। मैं अगर ऑफिस में काम करता हूँ तो भैया मुझे ये सैलरी मिलनी चाहिए, मुझे ये प्रमोशन मिलना चाहिए। घर में हैं, अपने पर्सनल लाइफ में है, तो मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, ये मेरी राइट है, ये मेरा अधिकार है। इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में रहते हैं, परफॉर्मेंस ड्रिवन नहीं होते हैं, बस केवल इमोशन के बेस पे अपने राइट्स को हमेशा ही डिमांड करते रहते हैं। जो इनकी छठी क्वालिटी राइट, वो ये है क्विट व्हेन प्रॉब्लम्स अराइजेस। क्योंकि इनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है, भावनाओं में बह के डिसीजंस ले लेते हैं, राइट, तो जब इनके सामने चैलेंजेस आते हैं क्विट कर देते हैं, इमिडिएटली क्विट कर देते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी ताकत नहीं होती है, अपने अंदर के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो डेफिनेटली क्विट तो करना ही रहेगा, क्योंकि आज तक इन्होंने अपने चैलेंजेस फेस नहीं किए, डिफ़िकल्टीज फेस नहीं की, संघर्षों का सामना नहीं किया, तो इसलिए ये क्विट कर देते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन था इमोशन ड्रिवन पर्सनैलिटी की। अब मैं बात करता हूँ कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनैलिटी की। इनकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इनको बनाती हैं कैरेक्टर ड्रिवन। जो पहली क्वालिटी है, दे डू राइट एंड देन फील गुड। ये राइट एक्शन लेते हैं, राइट परफॉर्मेंस देते हैं, और जब रात को बेड पे जाते हैं ना, तो इनको एक संतुष्टि मिलती है, दे फील गुड। ये ऐसा नहीं है कि इमोशन ड्रिवन होते हैं, राइट, इमोशन में बहकर अच्छा लगा तो किया, नहीं अच्छा लगा तो नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है। जो इनको लगता है कि ये काम सही है, जो इनका धर्म है, उसको डेफिनेटली परफॉर्म करते हैं और इनको अच्छा फील होता है। जो इनकी दूसरी क्वालिटी है वो है कमिटमेंट ड्रिवन। कमिट कर दिया तो उसको करना ही करना है,
राइट, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो बोल दिया वो बोल दिया, उसको तो परफॉर्म करना ही करना है, कमिटमेंट ड्रिवन। दिस इज द सेकेंड क्वालिटी विच इज रियली वेरी पावरफुल क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी, मेक प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजंस। प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजंस लेते हैं, जो इनका वैल्यू सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। एक उदाहरण से समझाता हूं। राम रावण को हरा सकते थे अगर वो बाली का साथ ले लेते। राम जानते थे कि बाली ने रावण को हराया हुआ है, लेकिन फिर भी राम ने बाली का साथ नहीं लिया, सुग्रीव का साथ लिया, और सुग्रीव का साथ लेकर उन्होंने कई सारे चैलेंजेस को फेस किया और फिर उसके बाद रावण को हराया। राम बाली का अगर साथ लेते तो वहां पे इमोशन ड्रिवेन भी रहते, राइट, वो थोड़ा सा कंफर्ट में रहते, प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजंस नहीं होता। राम ने ये डिसाइड किया कि जिस व्यक्ति ने दूसरी की पत्नी को चुरा लिया हुआ है तो वो मेरे लिए कभी भी मित्र साबित नहीं हो सकता, वो मेरा फ्रेंड हो ही नहीं सकता है, एंड दैट्स वाई उन्होंने प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजंस लिया। तो जो कैरेक्टर ड्रिवन पर्सन होते हैं वो कभी भी अपने प्रिंसिपल से डेविएट नहीं होते हैं, वो हमेशा ही प्रिंसिपल बेस्ड डिसीजन लेते हैं, चाहे उसके लिए उनको कितनी भी डिफिकल्टीज हो, कितनी भी चैलेंजेस आए। फोर्थ जो क्वालिटी है वो है क्रिएट मोमेंटम। ये मोमेंटम क्रिएट करते हैं, ये एब्सोल्युटली क्रिएटर्स होते हैं, ये इंस्पायरर होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। स्वामी विवेकानंदा, एक एक शब्द आज भी यूथ को पूरी तरीके से जगा सकते हैं, उनकी सोई हुई आत्मा को पूरी तरीके से जगा सकता है। ये लोग मोमेंटम क्रिएट करते हैं, राइट, ये लीडर्स होते हैं जो कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं। जो इनकी पांचवी क्वालिटी है वो है आस्क व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। दे आस्क व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डोंट बॉदर अबाउट द राइट्स। मैं फिर से यहां पे राम को कोट करता हूं। राम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे राइट दो ईश्वर का। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया, उन्होंने आपके जैसे और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति बनके जो उनके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई उसको अच्छी तरीके से फुलफिल किया। उन्होंने कभी ये पूछा, कभी ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे ईश्वर की तरफ पूजो। अरे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया, और इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल किया कि आपके लिए, मेरे लिए, पूरे समाज के लिए एक उदाहरण रख दिया। अपने कैरेक्टर से वो ईश्वर बन गए। मैं और आप उनको ईश्वर का दर्जा देते हैं, उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मैं यहां पर कोट करना चाहता हूं सारे युवाओं को, सारे यूथ को, कि जब आप एक स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड करते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हो, तो आपको राइट्स के लिए डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आपको वो सारे अधिकार ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते रहो, एक स्ट्रांग कैरेक्टर बिल्ड करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करो, आपको राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। जो सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर है, कंटिन्यू व्हेन प्रॉब्लम अराइजेस। इमोशन ड्रिवन पर्सनैलिटी, जब प्रॉब्लम अराइज होती है तो वो क्विट कर जाते हैं, लेकिन कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनालिटी, प्रॉब्लम आती है तो भी वो कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि एक्चुअली में उनको सेल्फ अवेयरनेस होता है। उन्होंने कैरेक्टर जो बिल्ड किया हुआ है वो चैलेंजेस को फेस करके ही तो बिल्ड किया हुआ है, वो कभी भी चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं, राइट। अगर आप अपने आप को इस लायक बना लो कि सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपकी पर्सनालिटी कैरेक्टर ड्रिवन हो जाएगी। और आज के टाइम पे युवाओं को ये चाहिए ही चाहिए कि कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनालिटी बनाएं। कॉर्पोरेट्स में जो लीडर्स हैं उनको कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनालिटी बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि वही ऐसे पर्सनालिटीज होती है जो गोल तक पहुंच पाती है और दूसरों को भी अपने साथ गोल तक पहुंचा पाती है। सो दिस इज द पावर ऑफ कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनैलिटीज। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दोनों ही पर्सनैलिटीज को रख दिया, उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया, इमोशन ड्रिवन पर्सनैलिटीज एंड कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनैलिटी। सेलेक्ट आपको करना है, चॉइस आपका है। मैं यहाँ पे किसी को अच्छा और किसी को बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमें इमोशनल भी रहना है और हमें कैरेक्टर ड्रिवन भी रहना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके इमोशंस कैरेक्टर से ड्रिवन नहीं हो रहे हैं, तो आपके इमोशन आपको बहा कर लेकर चले जाएंगे।
जिस डायरेक्शन पे आपको चलना है उस डायरेक्शन पे आप नहीं पहुंच पाओगे। जब जब प्रॉब्लम्स आएगी आप प्रॉब्लम से दूर हो जाओगे। तो कैरेक्टर बिल्ड करो, वो आपके इमोशन की एनर्जी लेगा और आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा, आपको सही दिशा में लेकर जाएगा और एक दिन आपके सपनों को भी पूरा करेगा, आपके गोल तक भी आपको पहुंचाएगा। ये है पावर कैरेक्टर ड्रिवन पर्सनालिटी स्कीम, राइट। सो आई विश दैट यू प्लीज मेक द स्ट्रांग कैरेक्टर, बिल्ड अ स्ट्रांग कैरेक्टर एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी। दिस इज शिव पांडे, द फाउंडर ऑफ इग्नाइटेड ड्रीम। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट इग्नाइटेड वीडियो। थैंक यू सो मच।